नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकैट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला में है, महाराष्ट्र में। मैं एज अ साइकैट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 4 साल से। आज जो आपके सामने वीडियो में लेकर आया हूँ वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एन इंटरेस्टिंग केस, यानी मंत्र चाड़ेपना एक इंटरेस्टिंग केस। हाल ही में हमने एक लेडी देखी, एक फीमेल पेशेंट देखी, जो पहले बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही थी अपने काम में, हाउसवाइफ थी, लेकिन जो भी काम उनको बताया गया था वो अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। धीरे धीरे उनको हर चीज़ से घिन आने लगी। कोई भी व्यक्ति अगर उनके आसपास से गुजरने लगा तो उनको ऐसा लगने लगा कि वो व्यक्ति की जो बदबू है, व्यक्ति का जो पसीना है, व्यक्ति को जो बीमारी है वो उसको खुद को लग जाएगी। रास्ते पे चलते चलते उनको लगने लगा कि अगर वो व्यक्ति कोई खास रहा है तो उसके वो लेडीज़ को लगने लगा कि वो खांसी मुझे हो जाएगी। अगर कोई टीबी का पेशेंट देख लिया तो पेशेंट को लगता था कि वो टीबी की बीमारी मुझे हो जाएगी। हर वक्त वो लेडीज़ को, वो फीमेल पेशेंट को एक संशय होता था, एक शक होता था कि सामने वाला मुझे कुछ करने वाला है, मेरे ऊपर कुछ कचरा डाल देगा, मेरे ऊपर थूक देगा, मुझे गंदगी लगा देगा। और इस डर के कारण वो पेशेंट हमेशा बार बार लगातार अपने कपड़े धोती थी, अपना शरीर धोती थी, बार बार हाथ धोती थी और अच्छा स्वच्छ रहने की कोशिश करती थी। होता क्या था कि जितनी बार वो हाथ धोती थी उतनी ज़्यादा वो बीमारी और दिमाग में बढ़ती जाती थी। मतलब ऑन द कॉन्ट्री ऐसा होना चाहिए था कि अगर हाथ धोया तो वो फीलिंग कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो जितनी बार हाथ धोती थी उतनी वो जो कंटिन्यू जो थॉट प्रोसेस है वो और बढ़ता था और पेशेंट को लगता कि नहीं, मैंने और कई बार हाथ धोना चाहिए। इतना ही नहीं तो पेशेंट बार बार नहाती भी थी, कोई भी जगह पे बैठने को तैयार नहीं होती थी, पब्लिक प्लेस में बैठने को तैयार नहीं होती थी, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे पहले जो व्यक्ति बैठा है वो सीट पे, उसको बीमारी है और उसके वजह से मुझे बीमारी हो जाएगी। बस में बैठती नहीं थी, ट्रेन में बैठती नहीं थी, सिनेमा थिएटर में बैठती नहीं थी, कोई भी पब्लिक प्लेस में जाना बंद कर दिया, लोगों से हैंडशेक करना बंद कर दिया, कोई भी सब्जी मंडी में आना बंद कर दिया। ये इस वजह से पेशेंट का जो पूरा लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब हो गया और फिर जो रिलेटिव्स हैं उनको लगा कि ये पेशेंट को हमने डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। पहले भी वो अलग अलग डॉक्टर के पास लेके गए, फिजिशियंस के पास लेके गए, लेकिन कोई भी फिजिशियन उनको डायग्नोस नहीं कर पाया कि ये बीमारी है क्या। अल्टीमेटली जब वो पेशेंट हमारे पास आया तो जब मैंने पेशेंट से बात की और उनका जो स्ट्रेस है वो देखा, पेशेंट मेरे सामने रोने लगी, पेशेंट ने अपने सिम्टम्स बताए और फिर मुझे ध्यान में आया कि ये बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ऐसा होता है, हर चीज में निगेटिव विचार आते हैं, बार बार हाथ धोने के विचार आते हैं, वो बीमारी मुझे हो जाएगी ऐसे विचार आते हैं, गंदगी मुझे लग जाएगी, बीमारी अंदर मेरे चली जाएगी, मैंने बार बार नहाना चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए, अच्छा स्वच्छ रहना चाहिए, ऐसी बीमारी में कंटिन्यू विचार आते हैं और वो विचारों के कारण पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो बीमारी है, अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, प्रॉपर दवाई लेते हैं, काउंसिलिंग लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये बीमारी पूरी तरह अच्छी हो सकती है। ये बीमारी होती क्यों है? दिमाग में कोई भी चीज अगर रिपीटेडली घूमने लग जाए तो ये बीमारी होने लगती है। हर विचारों का एक ब्रेक होता है हमारे मेंदू में, हमारे ब्रेन में एक ब्रेक होता है। अगर वो ब्रेक फेल हो जाए तो जो विचार बंद होने चाहिए वो विचार कंटिन्यूअसली लगातार घूमते रहते हैं। वैशिष्ट्यपूर्ण बात यह है कि जितने विचारों को हम कम करने की कोशिश करते हैं उतने ही ज्यादा डबल स्पीड से विचार बढ़ते जाते हैं। वीडियो बनाने का मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि अगर किसी को भी ऐसी बीमारी होती है तो रेदर देन ब्लेमिंग हर, रेदर देन क्रिटिसाइजिंग हर कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें बिन फिजूल के ये बीमारी हुई है, तुम्हें कुछ बीमारी नहीं हुई है, तुम नाटक कर रहे हो, ऐसा ना बोलते हुए अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं तो 50% बीमारी है वैसे ही ठीक हो जाएगी और बची 50% दवाई से ये बीमारी ठीक हो सकती है। इसलिए अगर आप ये बीमारी कहीं भी देखते हैं, आप ये निगेटिव थाट्स कहीं भी समझते हैं, जानते हैं, तो आपने ज़रूर साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना चाहिए। ये बीमारी अच्छी हो सकती है डेफिनेटली अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं तो। ऐसा ये मेरा वीडियो था, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एन इंटरेस्टिंग केस। ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
मैं जल्द ही आगे के वीडियोस लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।